आपने इस बार नीट का एग्जाम दिया है या आप देने वाले हैं, तब आप इस लेक्चर सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस साल का जो पेपर है उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे, नीट 2018। और ये पहली प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर प्लीज अगर आप फिजिक्स की प्रॉब्लम सीखना चाहते हैं तब आप इस लेक्चर सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, पहली प्रॉब्लम है एन ई एम वेव प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू वी आई कैप। द इंस्टेंटेनियस ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ई एम वेव इज अलोंग वाई डायरेक्शन देन द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ई एम दिस वेव विल बी। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ई एम वेव है, अगर उसकी वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू वी आई कैप, आई कैप का मीन्स यहाँ पर ये है कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन हो गया एक्स, उसके में यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैप। उसके बाद में है कि अगर इसका इलेक्ट्रिक जो ऑस्किलेटिंग कंपोनेंट्स है वो वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन दिए गए हैं माइनस के जेड डायरेक्शन, प्लस जेड डायरेक्शन, माइनस के वाई डायरेक्शन, प्लस माइनस के एक्स डायरेक्शन। देखो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम बात करते हैं ई एम वेव की, तब ई एम वेव की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो डायमेंशन ऑफ प्रोपगेशन होती है और जो ई वेक्टर होता है और जो एम वेक्टर होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायमेंशन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वी आई यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, प्रोपगेशन है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब वाई में भी नहीं हो सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में बसता है, माइनस के जेड या प्लस के जेड, तो कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर ये प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरीके से ये हो गया एक्स डायरेक्शन, क्योंकि आई कैप में मूव कर रही है। और यहां पर देख सकते हैं ये हो जाएगा प्लस वाई, ये प्लस एक्स में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ये जेड डायरेक्शन में, जेड प्लस में, क्योंकि देखेंगे जब y प्लस में है, z प्लस में है और x भी प्लस में है, तो z भी क्या होगा, प्लस में होगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा सेकंड। एक बार रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमेंशन ऑफ प्रोपगेशन तीनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहां पर देख सकेंगे x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और y डायरेक्शन में उसका e कंपोनेंट है, e इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब z पॉजिटिव में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये निगेटिव में दिया गया होता, ये निगेटिव में होता, तो इसको भी हम निगेटिव में ही काउंट करते, दैट मीन्स इसका आंसर होगा सेकंड, जेड पॉजिटिव डायरेक्शन।